हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में पृष्ठफल तथा घनफल। 9.3 का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग चालू कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर कहा इन लोगों ने, तो हेमिस्फीयर बना लीजिए। ये हेमिस्फीयर, इसका रेडियस दिया है हमें, रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 3.14। इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5, फाइंड इट्स कॉर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कॉर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठफल। बताइए स्टूडेंट, वक्र मतलब सिर्फ ऊपर का राउंड वाला, तो उसका फॉर्मूला है 2πr² चेक कीजिए, 2 पाई का वैल्यू 3.14, r² दो बार लिखिए 5 × 5, तो ये होता है, डबल कीजिए 6.28, ये मल्टीप्लाई हुआ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 5 = 25। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, six twenty eight multiplied by twenty five, five is a 40, five two is a 10 and four 14, five six is a 30, 31, okay, two eight is a 16, two two is a 4 and 1 5, two six is a 12, 12 पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, प्लस कीजिए 00751, करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्लस कर दिया गया, यहां लिखिए 15700, दो डिजिट के पहले था, इसलिए दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद जीरो का मीनिंग नहीं है, तो आंसर आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉर्ड सरफेस एरिया, एरिया है पृष्ठफल, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। बताइए फॉर्मूला क्या है आपके पास, 3πr² संपूर्ण मतलब ये कर्व भी आएगा और नीचे का भी आएगा, ऊपर गोल वाला भी और नीचे वाला भी, उसका फॉर्मूला होता है 3πr² 3 पाई का वैल्यू 3.14 और r का वैल्यू 5r² इसलिए दो बार मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, 3 3 = 9, 14 3 = 42, 5 × 5 = 25, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो यहां मल्टीप्लाई किया जाए 9 4 2 25। बताइए 5 2 = 10, 5 4 = 20 or 1 21, 5 9 = 45, 45 × 47, डबल कीजिए 4 8 18, प्लस कीजिए 0 5 5 बचेगा 1, तो 5 8 13 बचेगा 1, तो 2, मतलब यहां पर आ रहा है 2 3 5 5 0, अगेन दो डिजिट पर पॉइंट, पॉइंट के बाद का जीरो आप हटा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां भी लिखा जाएगा क्योंकि ये एरिया है, पृष्ठफल है। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें स्फीयर की बात की गई है, तो स्फीयर बना लेते हैं हम। स्फीयर मतलब गोल। इसके बाद हमें सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें वॉल्यूम पूछा गया है, मतलब पृष्ठफल दिया हुआ है और हमें घनफल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो पहले यूज करेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब गोले का पृष्ठफल हमें बताया गया है 2826। फॉर्मूला इसका हमें पता है, सरफेस एरिया मतलब ये इसका कर्व्ड पार्ट, कर्व पार्ट वक्र, तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr² 4πr² अब इसे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। 4 पाई का वैल्यू देखा जाए, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, 3.14 दिया है टेक्स्ट बुक में। आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 2826। स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 4 56 3 4 12 इंटू आर स्क्वायर 2826। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826 अपॉन 12.56। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट गायब। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करके देखिए, डिवाइड कीजिए कितना आता है 2826 00। 4 डिजिट लेने के बाद 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स ट्राई कीजिए, 2 6 12 2 5 10 और 1 11 2 2 4 एंड 1 5 2 1 2 ये हो रहा है। चलिए माइनस कीजिए, 4 1 एंड यह 3 0 लीजिए नीचे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, ये 2 टाइम्स वापस जाएगा, तो 2 टाइम्स सेम आएगा 25 1 2। माइनस कीजिए 8, 3 में से 1 गया तो 2 और यहां पर 6 करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 0 लीजिए, अब ट्राई कीजिए कितनी बार जा रहा है, चेक कीजिए 5 टाइम्स, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 1 5 1 6 ये खत्म हुआ, दैट मींस 225। ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ले लीजिए 15, आर हमें मिल गया 15। आर मिलने के बाद अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो चलिए अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम मतलब घनफल, सेकेंड पॉइंट गोले का घनफल मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला बताइए 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है, वैल्यूज रखिए 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 और आर 15 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 2 3 3 बार लिखा गया। स्टूडेंट 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 से कट करने पर आपको मिल रहा है 3 5 15। 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 4 56 और 3 4 12 मल्टीप्लाई बाय 15 × 15 × 5, तो स्टूडेंट ये 5 लिखता हूं और ये 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 2 कैरी, 5 2 10 एंड 2 12 1 कैरी, 5 2 10 एंड 1 11 ये आ रहा है। फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आंसर, तो लेट्स चेक द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन लिखा जाए 1 2 5 6 1 1
5 6 are 30, 5 5 are 25 and 3 28, 2 carry, 5 2 are 10, 10 and 2 12, 1 carry, 5 1 are 5 and 1 6, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 are 12, 1 carry, 2 5 are 10 and 1 11, 1 carry, 2 2 are 4 and 1 5, 2 1 are 2, डबल कट कीजिए, 1 से करेंगे तो सेम मिलेगा 6 5 2 1, ट्रिपल कट कीजिए फिर 1 से करना है तो वही मिलेगा 6 5 2 1, चलिए अब इसे प्लस कीजिए 0 0 बचेगा 1 तो 3 और 1 4 4 एंड 6 10 बचेगा 1 तो 1 बचा तो ये हो गया 7 7 एंड 10 17 17 एंड 6 23 बचेगा 2 तो 2 एंड 2 4 4 एंड 2 6 6 एंड 5 6 एंड 5 11 बचेगा 1 तो 2 एंड 2 4 और फिर ये 1 तो ये आ रहा है स्टूडेंट 1 4 1 3 0 0 0 पॉइंट दो डिजिट के पहले था इसलिए दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए पॉइंट के बाद जीरो का मीनिंग नहीं है तो अब उसे हटा दीजिए और ये आपका वॉल्यूम है तो आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा सो स्टूडेंट्स वॉल्यूम हमने ढूंढ लिया 1 4 1 3 0 सेंटीमीटर क्यूब ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर में फिर स्फीयर की ही बात की गई है अब उल्टा किया उन लोगों ने अब वॉल्यूम दिए हैं और सरफेस एरिया पूछ रहे हैं वॉल्यूम उन लोगों ने दिया है 388.08 सेंटीमीटर क्यूब और इन्हें सरफेस एरिया चाहिए तो चलिए चालू करते हैं जो दिया है उसी से चालू किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का घनफल स्टूडेंट्स कितना दिया है 388.08 अब गोले का घनफल आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब 388.08 वैल्यू रखिए 4/3 पाई देखना होगा पाई अब 22/7 दिया है 22/7 अलग रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा जो बुक में दिया है वही रखना है तो 22/7 आर नहीं है निकालना है 388.08 अब स्टूडेंट्स आगे फर्दर सॉल्यूशन आगे देखते हैं आर क्यूब निकालने के लिए ट्रांसफर कीजिए 388.08 जो नीचे है वो ऊपर हो जाएंगे 3 और 7 ऊपर हो गए 4 और 22 ऊपर है वो नीचे हो जाएंगे 4 एंड 22 करेक्ट चलिए इसे सॉल्व करते हैं बताइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 388.08 37 जा 21 और यहां पर 88 अब इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आर क्यूब इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स 388.08 मल्टीप्लाई बाय 21 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 8 जा 16 एंड 1 17 2 3 जा 6 एंड 1 7 प्लस कीजिए 8 6 9 4 बचेगा 1 तो 11 और 8 तो ये आ रहा है आपका 8 1 4 9 6 8 अब इसे डिवाइड कीजिए 88 से ठीक है तो चलिए 88 से डिवाइड करके देखते हैं आर क्यूब कितना आता है सो आर क्यूब कितना आता है वो चेक करने के लिए डिवाइड किया जा रहा है 88 से डिवाइड करेंगे हम 8 1 4 9 6 8 को तो बोलिए पहली बार 9 टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स 9 8 जा 72 एंड 7 79 2 यहां पर 2 ये खत्म 9 ले लीजिए नीचे कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 2 8 जा 16 2 8 जा 16 और 1 17 कितना 3 5 करेक्ट चलिए नेक्स्ट किसका नंबर है 6 का तो बताइए कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स
सिक्स टाइम्स ट्राई कीजिए, 6 8 जा 48 एंड 4 52, करेक्ट। कितना बचता है 8 और ये 0, मीन्स सिर्फ 8 बचता है, लास्ट 8 लीजिए, मतलब ये 88, 1 जा 88 हो जाएगा, ये खत्म, करेक्ट। तो ये हमें मिला 9261। अब स्टूडेंट हमें सोचना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये हमें सोचना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सोचने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं, 921 इसे कट कीजिए आप, कितने से कट कर सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से कट रहा है, तो 3 3 जा 9, 2 लिया लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, तो 0 लिखिए, 26 हो गया, 2 3 8 जा 24, बचेगा 2 तो 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से कट कीजिए, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, बचेगा 2 तो 3 9 जा 27, फिर 3 से कट कीजिए, 3 3 जा 9, बचेगा 1 तो 12, तो 3 4 जा 12 और ये 3। अब यह आप जानते हैं 7 का क्यूब है, तो 7 से कट करेंगे तो 49, 7 से कट करेंगे तो 7, 7 से कट करेंगे तो खत्म, मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू आ रहा है 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7, ठीक है, ये पूरा यहां लिखा गया। अब क्यूब रूट लीजिए, मतलब ट्रिपल का सिंगल, तो यहां भी ट्रिपल का सिंगल, मतलब आर आ रहा है 21, आर हमें मिला 21। अब स्टूडेंट आर आने के बाद हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं, सो लेट्स फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकेंड पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब गोले का पृष्ठफल। स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, 4πr² वैल्यूज रखिए, पाई बताया गया इस क्वेश्चन में 22/7, आर आ गया 21, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखा गया। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, इसे कट करके देखा जाए क्या आता है, 7 3 जा 21, जो बचा वैल्यू हो यहां लिखिए, 4 × 22 × 3 × 21, 4 22 3 21 यहां लिखा गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए 88 और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बता दीजिए, तो यहां पर है 63 × 88, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 और 2 50, सेम फिर से आएगा, प्लस कीजिए 4 4 5 5, तो ये आ गया आपका 5 5 4 4 और ये आपका सरफेस एरिया है, इसलिए लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ओवर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो हमें वापस हेमी स्फीयर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हेमी स्फीयर बनाया जाए। हेमी स्फीयर में इन लोगों ने कहा हेमी स्फीयर का वॉल्यूम 18000 पाई है, वॉल्यूम 18000 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें डायमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है, डायमीटर मतलब स्टूडेंट्स व्यास फाइंड आउट करके दिखाना है, तो जो दिया है उससे शुरू कीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना दिया है, 18000 पाई। स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर का फॉर्मूला 2/3 πr³ होता है, 2/3 πr³, 18000 पाई, आप देख सकते हैं कि पाई दोनों साइड है, तो पाई हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, पाई दोनों साइड से कट, मींस 2/3 r³ इज इक्वल टू 18000, r³ इज इक्वल टू 18000, ये रिवर्स हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। अब इसे कट कीजिए, 2 से कट करेंगे तो 9, 2 8 जा 18, 2 9 जा 18,
टू नाइन जा 18, तो आर क्यूब आ रहा है 9000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 9 3 27, बराबर। अब बताइए ये जो है 27 मीन्स 3 × 3 × 3 27, और 1000 मतलब 10 × 10 × 10। अब क्यूब रूट लीजिए तो ट्रिपल का सिंगल, यहाँ भी ट्रिपल का सिंगल, यहाँ भी ट्रिपल का सिंगल, मीन्स आर हाजिर हुआ 30 सेंटीमीटर। ओके, हमें व्यास चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो लास्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, डायमीटर मीन्स व्यास। व्यास का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, रेडियस आ गया 30, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज खत्म किया। सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।